हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग देखने को आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हमारे घर आ गया है छोटा सा चिड़िया का बच्चा। और आज का ब्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे तुलसी जी का जो गमला है ना, वहाँ पर एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा आ गया था और वो वहाँ से जा ही नहीं रहा था। देखिए, और थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है हमने और बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्यूट सा है एकदम छोटू सा, और मेरा बेटा देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो देखिए आप लोग किस तरीके से बैठा है, एकदम शांति सा माहौल करके, और डर भी नहीं रहा है, वहाँ से हट भी नहीं रहा है। मैं वीडियो बना रही थी, बहुत ध्यान से देख रहा था वो। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये मेरा पेड़ है। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमने क्लिप शूट किया था, तो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ चिड़िया का बच्चा। ये हमारा झाड़ है और ये मेरी बिटिया रानी है, स्कूल से आ गई है, वो भी देखने गई हैं। आप लोगों को तो पता ही है ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद है, तुरंत देखने के लिए आ जाते हैं, बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फटाफट से आ जाते हैं। तो वहीं पे छिप गया है, वहाँ से हट नहीं रहा था वो, और कितना देखिए और उड़ नहीं पा रहा था तेज़ी से, छोटा है ना अभी तो इसकी वजह से उड़ नहीं पा रहा था, मगर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए बस वही देख रहे थे हम लोग। हाँ तेरी बहन राखी मार रही थी, तूने बोला था उड़ने की कोशिश कर रहा है मगर उड़ नहीं पा रहा है, उसके पंख है ना ऐसे अच्छे से नहीं उड़ पा रहा है, वो थोड़ा सा आराम आराम से चल रहा है मगर उड़ नहीं पा रहा है। कितनी क्यूट है बेबी, कोशिश कर रहा है। और मेरी बिटिया रानी उसको ऐसे चुटकी बजा बजा के उड़ाने की कोशिश कर रही है, नहीं उड़ रहा है। बाबू भी काफ़ी मेहनत कर रहा था, चुटकी बजा रहा था, ताली बजा रहा था, वो उड़ जाए मगर वो उड़ नहीं पा रहा था, बेचारा छोटा सा था एकदम। और ये बस यही था। अभी यहाँ पर देखिए कि मैंने मोमोज बनाए थे घर पर, रेसिपी नहीं शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो में बहुत पहले मैंने किया हुआ था, तो डेली डेली वही सेम नहीं करना था, तो इसके लिए नहीं किया, बस बनाया था वही आप लोगों को दिखा दिया। रेड चटनी के साथ मोमोज बनाया है, भाप वाला मोमोज बनाया है, तो बस वही हम लोग खाएँगे, बना के रख दिया है। और अभी बस खाने की तैयारी होकर फ्रेंड्स बाय।